गोटे लघुचाप गभीर अवपात परिणत हो सारा ओडिशा को बुड़ाइबा परे एबे बंगोपसागर आउ एक लघुचाप दाना बांधिबार संभावना रही। 18 तारीख बेलू बंगोपसागर लघुचाप बलय सृष्टि 19 तारीख में पश्चिमबंगर मेदिनीपुर तत्संलग्न बालेश्वर निकट में रहिबो। एहार प्रभाव में 19 एवं 20 तारीख में प्रबल वर्षार संभावना रही। वर्तमान लघुचाप बलय एवं मौसुमी ट्रफ्र पूर्व भाग में मिसिबा परे सुंदरगढ़ दे मध्यप्रदेश आड़क मुहाइबो। तबे पानीपाग विशेषज्ञ आकलन करिछंती 30 तारीख में म्यांमार निकट में पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर पुणी एक लघुचाप बलय सृष्टि होइपारे। अपडेट रही ता विषय जानिया पई सीधा सड़क जिबा आईएमडी जीजी डीजी मृत्युंजय महापात्र पाखक जानवा आउ कौन अपडेट रही। सर न्यूज 7 को स्वागत करुच्छ। बर्तमान जो कहा 18 तारीख में वर्षा प्रबल वर्षा होबार संभावना रही है और 17 तारीख रु गोटे घूर्णिवलय दाना बांधुची बोली आपण सूचना देते कौन वर्तमान अपडेट रही। हाँ, आज गोटे घूर्णिवलय पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर और यार निकटस्थ म्यांमार अंचल सृष्टि यही अंचल बर्तमान घूर्णिवलय रही एवं एथिपाई ए पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर वर्तमान मेघ डेवलप होइछि। एही घूर्णिवलय धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करके उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे उत्तर ओडिशा उपकूल एवं पश्चिम उपकूल निकट रे 18 तारीख पाखापाखि पहुँचबार संभावना रही। तेणु यार प्रभाव में वर्षा विशेषतः 19 तारीख और 20 तारीख में ओडिशा रे विशेषतः उत्तर ओडिशा रे होबार संभावना रही। किंतु यह गोटे घूर्णिवलय हिसाब से जो बर्तमान पूर्वानुमान रही बेसी यार इंटेन्सीफिकेसन तीव्रता बढ़िबार सूचना ना अति बेसी हुए तो गोटे लघुचाप क्षेत्र हो पाए। तेणु एभली अधिक वर्षा होबना जो भाई वर्षा देखिले गत अवपात में गभीर अवपात केवल आम आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल वार्निंग रखीचु 19 तारीख और 20 तारीख पर। सर अन्य कथा देखिबा छत्तीसगढ़ भी वर्षा होछि बे महानदी रे मध्य बन्यार आशंका करा जाउछि। बर्तन छत्तीसगढ़ रे स्थिति किभली रहिछि सेठारे वर्षा रे परिमाण कोन रहबो एवं तहार प्रभाव ओडिसा उपर केते पड़िबो। जे अवपातटी ओडिसा उपकूल अतिक्रम करथिला तहा क्रमशः दुर्बल होबार लागिछि। बर्तन एहा नॉर्थ मध्यप्रदेश उपर केन्द्रीभूत अछि तेणु एहार प्रभाव रे बर्तन सबु क्लाउड मास विशेषतः नॉर्थ मध्यप्रदेश एवं यूपी उपर रहिछि। एहार कोनसे प्रभाव बर्तमान छत्तीसगढ़ उपरे नहीं कि ओडिशा उपरे मध्ये नहीं जमी आप देखि पारे छत्तीसगढ़ और ओडिशा उपरे विशेष किसी मेघर प्रभाव वर्तमान देखा जाऊ ना। तेणु विशेष भाव में वर्षार परिमाण कमी जाइछि ओडिशा और छत्तीसगढ़ आहुरी मध्य कमी जिवो आज एवं काली एटी तो जो नियंटिया वर्षा होता है सब पूरण कर सारे जो अवपात गला तार प्रभाव में बहु परिमाण में वर्षा है ओडिशा रे जहाँफल कि अधिकांश जिला बर्तमान नॉर्मल एक्सेस रेनफॉल हो जाए सीजन आहुरी सीजन बाकी अच्छे। तेणु प्रायतः ओडिशा जो एक्टिविटी बर्तमान चली अनुसार ओडिशा नॉर्मल रेनफॉल रही है सीजनली हेवी रेनफॉल वार्निंग आप 19 तारीख 20 तारीख में आम जारी कर शुणुते हेवी रेनफॉल वार्निंग 19 और 20 तारीख पर जारी कर गोटे घूर्णिवलय जो सृष्टि ता प्रभाव में वर्षा हे और तुहा को तुहा वर्षा मैं आइसोलेटेड प्रेसेस वर्षा हे कहु 23 तारीख में म्यांमार जो लघुचाप घूर्णिवलय क्षेत्र